माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सारा आसाम बसवासियों के तरफ से नमस्कार। नमस्कार। आज मेरा भारत गर्व है, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मेरा भारत का सम्मान ऊंचा किया है पाकिस्तान के ऊपर दबाव तैयार करके। धन्यवाद मोदी जी। मैं बीकी साहा आसाम के दरंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक मंडल प्रेसिडेंट। मोदी जी आपसे सवाल है, आपको आप सबको पता है 2014 का जो इलेक्शन था सोशल मीडिया का एक अच्छा उपभोग था। तब आप सबको पता है हम क्षेत्र में सबसे आगे चल रहे थे, जबकि हमको कहा जाता था फास्ट वर्डिंग हम था। मोदी जी आने वाला इलेक्शन 2019 में आप इलेक्शन में सोशल मीडिया का भाग में कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है, इसमें हर व्यक्ति को आप बैठिए बैठिए शाह बैठिए हाँ इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है, चाहे वे ट्रेन हो, फिर चाहे वो वीजा का मामला हो। और मेरा मानना है कि 2019 में भी सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स का अहम योगदान रहने वाला है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं हमारे सोशल मीडिया के लाखों वॉलंटियर्स से कहना चाहूँगा कि देश भर में हमारी सरकार की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी हैं, और क्या हम ऐसे करोड़ों लाभार्थियों की स्टोरी को दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर उसको ला सकते हैं क्या? जब टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है तो बीजेपी हमेशा से इसमें आगे रही है, और सोशल मीडिया कोई अपवाद नहीं है। और मैंने इसकी ताकत मैं बताता हूँ, अपने एक संगठन के बहुत ही अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पे एक छोटा क्लिपिंग मुझे एक दिन दिखाया, और वो क्लिपिंग देखकर मैं हैरान हो गया। 90 साल की कोई बूढ़ी माँ, अने 90 साल की उम्र, वो सरकार की भारत सरकार की योजनाओं के सारे नाम एक के बाद एक खुद बोल रही थी। यानी हो सकता है मैं दो चीजें भूल जाऊंगा, लेकिन वो माँ बराबर बोल रही थी। जब मैंने इसको मोबाइल फोन पे देखा तो मैं हैरान था, क्या ताकत है इसकी। हम सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2009 में सोशल मीडिया से जुड़ा था, तब ये मुख्य धारा में भी नहीं था। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। और अगर कोई झूठ फैला रहा है या गालियां दे रहा है तो उसे भी सबके सामने लेने का यह एक मंच भी है। जब सोशल मीडिया की बात आती है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वे तीन चीजों पर जरूर ध्यान दें। पहला, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दूसरा, ईमानदारी। और तीसरा, सटीकता। जितना हो सके सकारात्मक बातें शेयर करें, सकारात्मक खबरें शेयर करें। विपक्ष आपको नकारात्मकता की दिशा में बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनके इस बहकावे में ना आए, हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। आखिरकार हमारे पास सकारात्मक बातें करने के लिए बहुत कुछ है।
अनगिनत बातें हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी खबर शेयर कर रहे हैं वो फेक न्यूज न हो। आजकल विपक्ष ने तो फेक न्यूज के इस्तेमाल के उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली है, और स्वाभाविक सी बात है, जिसका अपना खुद का कोई एजेंडा न हो वो फेक न्यूज को ही अपना एजेंडा बनाएगा। सोशल मीडिया पर हमेशा सावधानी बरतें, नकारात्मकता को फॉरवर्ड नहीं बल्कि डिलीट करें, और अपने मोबाइल से भी नहीं अपने माइंड से भी डिलीट करें। आजकल दुश्मन देश भी फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे वो यूएन में हो या फिर कहीं और बैठे हो, कोई और मैदान मिल जाए, इसलिए चारों तरफ ये खेल चलते रहते हैं। हमें चौकन्ना रहना है। जब सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात आती है तो हम उस दिशा में हमेशा अग्रणी हैं, अग्रणी रहेंगे, और ये हमारी जिम्मेवारी है।